गुरु नानक अस्पताल की 22वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर अनूप सिंह ने केक किया था और आज उनकी संस्था पलवल में बेहतर सुविधाएं देने वाली संस्था बन गई है। उन्होंने बताया, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ECHSC की सुविधाएं शुरू की, जिससे सैनिकों को इलाज कराने के लिए फरीदाबाद के अस्पताल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और ज़िले में ही उन्हें बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होगी। इस अवसर पर उनके बेटे डॉक्टर तेजिंदर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये शुरू किया था जिस समय पलवल में शायद सुविधाएं बहुत ज्यादा कम थी, उस टाइम हमारे पास भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ डॉक्टर्स की टीम हमारी उस टाइम भी बहुत स्ट्रांग थी। उसके बाद आज 22 साल पूरे हो गए, 22 साल में इस अस्पताल ने आपके देखा देखी और आप लोगों के सारे सामर्थ्य से, आप लोगों की हेल्प से इस जगह पर लाके खड़ा किया है, जहाँ पे CT, MRI, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और बाकी सुपर स्पेशलाइजेशन सारी की सारी हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि पलवल से पेशेंट बाहर ना जाने पाए, यहीं उसका इलाज संभव हो। आने वाले कल में जितना जल्दी हो सकेगा उम्मीद है कि हार्ट सेंटर हम लोग ले आए, कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का साथ हमें चाहिए होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पापा ने कहा, पिताजी ने कहा कि 1981 से शुरुआत हुई थी उनकी और धीरे धीरे एक बेड से शुरू करने के बाद इस मुकाम पे 100 बेड पे लेके आए। हमें भी पढ़ाया, हमने भी मेहनत की तो यहाँ तक इनके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से यहाँ तक पहुँचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पलवल में सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे अवेलेबल की जाए। अब मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ यहाँ पर, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में सारी फैसिलिटीज, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ERCP सब कुछ अब पलवल में मैं करता हूँ और उसके लिए फरीदाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है यहीं पर। और डॉक्टर निकिता है जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, जो पलवल में सब कुछ मेजर ट्रॉमा केसेस मैनेज कर रही हैं। छोटे ब्रदर हैं ऑर्थोपेडिशियन, जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। और मेरी वाइफ है डॉक्टर दमनजीत, जो फिजिशियन है और ICU क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, वो मेजर सीरियस इलनेसेस जो ICU क्रिटिकल केयर की हैं वो यहाँ हॉस्पिटल के अंदर ही मैनेज कर रही हैं, विद वेंटिलेटर्स एज वेल एज डायलिसिस फैसिलिटी जो हमारे यहाँ पलवल में उपलब्ध है। 22वीं वर्षगांठ पे हमने ECHS फैसिलिटी भी पलवल में, मल्टी स्पेशलिटी पहला हॉस्पिटल है जो मल्टी स्पेशलिटी ECHS फैसिलिटीज के साथ हमने अब शुरू कर दिया है। दो दिन पहले 14 तारीख को ECHS के लिए आपको फरीदाबाद जाने की जरूरत नहीं है, पलवल में ही मल्टी स्पेशलिटी अवेलेबल। मैक्सिलोफेशियल है, बहुत बहुत।